हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, अब प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11. तो ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे विथ कॉमन हाइपोटेनियस ए सी. तो आप यहाँ पे देखो, ये एक हाइपोटेनियस है ए सी जो दोनों ट्राइंगल की कॉमन है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो और दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है. तो हाइपोटेनियस के जस्ट सामने वाला एंगल आपका 90 डिग्री होता है. तो ये एंगल भी आपका 90 हो गया, और इधर हाइपोटेनियस से इसके जो सामने वाला एंगल है यहाँ पे, ये भी हो गया 90 डिग्री. ठीक है, तो एक ही हाइपोटेनियस को लेके हमने दो ट्राइंगल बना लिए इस तरह से. प्रूव दैट एंगल सी ए डी. तो एंगल सी ए डी यानी कि आपका हो गया एंगल ये वाला, ये एंगल सी ए डी, ये आपको प्रूव करके बनाना है इक्वल टू एंगल सी बी डी. तो सी बी डी यानी कि आपको इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा. तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो ये दूसरा एंगल जो है वो हमारा ये वाला एंगल है सी बी डी. ये एंगल हमें यहाँ पे इस एंगल के इक्वल प्रूव करके बताना है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर एंगल बी प्लस एंगल डी आपका 180 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो ये 180 डिग्री हो गया. तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री हो गया. तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए बी सी डी एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. ठीक है, अगर हम ए बी सी दोनों ट्राइंगल को ज्वाइन करके अगर हम देखते हैं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम इस पर एक सर्कल बना लेते हैं. तो उसी की हेल्प से हम इसको, इन दोनों एंगल को यहाँ पे इक्वल प्रूव करेंगे. ओके, तो हमने यहाँ पे इसको एक सर्कल बना लिया. तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. क्यों? क्योंकि अगर एंगल बी प्लस डी आपका यहाँ पे 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी आपका 180 होगा. तो ये हम कैसे रह गएंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम आपका यहाँ पे क्या होता है, 360 डिग्री होता है. ठीक है, अब आप यहाँ पे बी और डी की वैल्यू पुट कर लो. तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. तो 90 प्लस 90 180 हो गया. तो 180 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो प्लस का 180 इधर जाके माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल ए प्लस एंगल सी 360 में से 180 गया, तो 180 डिग्री हो गया. तो अब क्या लिखोगे, सो इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, कोई भी एक पैर भी आ जाता तब भी हमारा ये साइक्लिक हो जाता है, तो 180 डिग्री हो गया. सो सम ऑफ मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 180 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. तो ये हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों प्रूव किया, तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे डी सी सेगमेंट को देखती हूँ, क्योंकि ये कॉर्ड है डी सी यहाँ पे, तो ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, और डी सी साइड से ऊपर जो भी है वो सारा मेजर सेगमेंट हो गया. तो मेजर सेगमेंट में यानी कि सेम सेगमेंट में, कॉर्ड के चाहे मेजर में बनो चाहे माइनर में बनो, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं. तो एक एंगल आपका यहाँ पे ये हो गया, दूसरा एंगल आपका यहाँ पे ये हो गया. तो इसीलिए ये एंगल आपका इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि ये पूरा 90 है बट हमें सिर्फ इतना सा चाहिए. तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं. मुझे इस प्रॉपर्टी को यूज करना था, इसीलिए मैंने यहां पे पहले ये प्रूव किया कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने का मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी चारों ही सर्कल के वर्टिसेस पे, कोई भी अंदर या बाहर नहीं है. तो अब आप यहां पे क्या लिखोगे, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अब आप यहां पे लिखोगे ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम वर्टिसेस ए बी सी डी. ठीक है, तो नाउ कौन सी कॉर्ड हमें कंसिडर करनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉर्ड सी डी, क्योंकि सी डी कॉर्ड से जो सेगमेंट बन रहा है उसी से आपके ये दो एंगल बन रहे. एक एंगल ये हो गया, एक एंगल आपका ये हो गया, जो कि मेजर सेगमेंट बन रहे. तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो आप इसको राइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप नाउ कंसिडर Now consider chord CD and AB
सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड एंगल, इसको हम एंगल वन ले लेते हैं, इसको हम एंगल टू ले लेते हैं. आप क्या लिखोगे, एंड एंगल वन एंड एंगल टू आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सो एंगल वन इक्वल टू आपका एंगल यहाँ पे हो जाएगा टू. तो रीजन आप क्या लिख के लिखोगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, तो हैंड्स प्रूफ, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी. तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, तो इसको आप लिख लो दैट इज एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया. अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.